पटना में जदयू ने साइकिल रैली के जरिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। रैली के माध्यम से शराब और लोगों को जागरूक किया गया। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को शराब नहीं पीने के प्रति जागरूक किया जाए। यदि लोग अभी भी शराब का सेवन कर रहे हैं तो बंद कर दें और इस अभियान में सहयोग करें। और साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे हैं और शराबबंदी को लेकर लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। पार्टी के कुछ साथी है जो प्रवेश कमाल जी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाल पटना से चलकर वैशाली तक लोग जाएंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से शराबबंदी के लिए मैसेज देंगे लोगों के बीच में। मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है शराब नहीं पिए लोग, इस बात को लेकर तो उसी को मैसेज देने का मकसद है इनका इस यात्रा के माध्यम से। आम लोगों को भी चाहिए कि मैसेज को ग्रहण करें और शराब कहीं भी लोग पी रहे हैं तो बंद करें, शराबबंदी को पूर्णतः सफल करें। यह मैसेज देने की कोशिश है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है।